क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया सॉल्व, ठीक है, 18 एंड 19 छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, कर लिया तुम लोगों ने, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, मतलब दो एकक परीक्षा हुई है मंथली टेस्ट, मतलब फर्स्ट एकक परीक्षा में उसे 70 अंक मिले और दूसरे एकक परीक्षा में उसे 75 अंक मिले, ठीक है। कह रहे कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। कह रहे कि तीसरे एकक परीक्षा में वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मतलब कम से कम वह अंक ज्ञात कीजिए जिसे पाकर उसके औसत कितने अंक हो जाए, 60 हो जाए, औसत कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो देखो यहाँ पे मान लेते तीसरे एकक परीक्षा में, माना तीसरे एकक परीक्षा में उसके कितने अंक आए, एक्स, एक्स का न्यूनतम मान निकालना है, एक्स का क्या निकालना है, न्यूनतम मान। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 प्लस 75 प्लस एक्स बटे 3 औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास संख्या दे रखा है उनको आपस में जोड़ के उतने से भाग कर देते हैं। तो 70 75 प्लस एक्स बटे 3, क्योंकि 3 संख्या है, 3 से हमें भाग करना है, है 3 संख्या है ना, 75 और एक्स 3 संख्या है, है? हाँ, सिचुएशंस के तौर पर क्लियर है, ये इसका औसत हो जाएगा। अब कह रहे कि ये जो औसत है वो कम से कम 60 हो, न्यूनतम, क्या कह रहे हैं, न्यूनतम। अगर ये न्यूनतम होगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, कम से कम, तो कम से कम के लिए क्या जाएगा, इसका जो वैल्यू है ये लेस देन क्या हो जाएगा, 60। नहीं आ समझ में, यहां पे कह रहे हैं कि इनका जो औसत है वो 60 के न्यूनतम हो, मतलब औसत जो निकलेगा वो कितना है, 60 के न्यूनतम, ठीक, हाँ, लेस देन इक्वल 60, मतलब कम से कम 60 है, 60 से ज्यादा, कम से कम 60 का मतलब क्या है, देखो दो वर्ड यूज करते हैं, पहले वर्ड को समझो फिर, कम से कम और एक अधिक से अधिक, कम से कम और अधिक से अधिक, कम से कम जैसे मतलब कम से कम 60 और अधिक से अधिक 60, अधिक से अधिक 60, इसका मतलब क्या समझते हो, कम से कम 60 का मतलब क्या, कि जब तुम वैल्यू देखोगे तो कम से कम 60 कम है, 60 से नीचे नहीं, 60 से ज्यादा हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर्स है या कोई भी चीज है, अगर हम बात करते हैं कि 60 से कम 60 होनी चाहिए, तो कम से कम 60 होने का मतलब क्या है, कि वो चीज है वो लोएस्ट लेवल कितना है उसका, 60 का है, अपर लेवल कितना है वो नहीं पता, अपर लेवल नहीं पता, ठीक ना। अगर हम कहते हैं कि अधिक से अधिक 60, तो अधिक से अधिक मतलब अपर लिमिट आ जाता है, कि मैक्सिमम कितना 60 हो सकता है और उससे कम, मतलब 60 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे औसत क्या होना चाहिए, 60, आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरी एकक परीक्षा में पाकर वो 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, 60 अंक उसके क्या आने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए, 60 अंक न्यूनतम होने चाहिए, पहले लैंग्वेज समझो फिर क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक। तो न्यूनतम का मतलब क्या, कि इसका जो वैल्यू है वो 60 के बराबर या 60 से कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, बात नहीं। देख इसमें अब कितना जाएगा, इनको जोड़ दे कितना आएगा, 145 प्लस एक्स बटे 3 लेस देन इक्वल 60, 3 से गुणा कर दो, तो 145 प्लस एक्स लेस देन इक्वल 60 इंटू 3, तो 145 प्लस एक्स लेस देन इक्वल
कितना 180। तो x लेस देन इक्वल 180 माइनस 145, तो x लेस देन इक्वल कितना जाएगा 35। रुक जाए एक मिनट, क्वेश्चन में अगर 35 से कम आते हैं इसके, 20 आते हैं तो 60% नहीं बनेगा, न्यूनतम कह रहे हैं ना, कम से कम लोएस्ट लेवल पे होना चाहिए ना, साइन चेंज हो जाएगा। कह रहे कम से कम 60 होने चाहिए, कम से कम 60 होने चाहिए, 60 से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम कह रहे हैं ना, मतलब लोएस्ट लेवल क्या आ गया 60 पे आ गया, अब 60 से ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे मतलब x जो है वो या तो 35 या 35 से ज्यादा, और न्यूनतम जो वैल्यू कितना आना चाहिए उसके, न्यूनतम कितने अंक आने चाहिए 35 अंक आने चाहिए, मतलब न्यूनतम पूछ रहा है ना कि उसके तीसरे एकक परीक्षा में न्यूनतम कितने आने चाहिए ताकि उसका 60% बन जाए, तो न्यूनतम कितने आने चाहिए 35, ठीक ना, बाकी 35 से अगर ऊपर भी आएगा तो भी उसका 60% बन जाएगा। कर हैं देख इसमें क्वेश्चन में 22, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी पांचों परीक्षाओं में 90 अंक या अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए, मतलब एक ग्रेड लाने के लिए उसे हर सब्जेक्ट में कम से कम 90 और 90 से ज्यादा अंक चाहिए, ठीक, हाँ 90 या 90 से अधिक चाहिए, ठीक। यदि सुनीता के पांच प्रथम चार परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 एंड 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे पांचवी परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। देखो प्राप्तांक दे रखे उसके पांच विषय में, प्राप्तांक दे रखा है 87, 92, 94 एंड 95। अब कह रहे कि सुनीता पांचवे विषय में कितना कम से कम कितना अंक लाए ताकि उसको ग्रेड ए मिल जाए, तो ग्रेड ए का मतलब क्या, ग्रेड ए का मतलब क्या 90, कम से कम 90, 90 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ग्रेड ए में जो अंक होगा वो 90 या 90 से ज्यादा होगा, 90 या 90 से ज्यादा तभी उसे ग्रेड ए मिलेगा। तो पांचों विषयों का औसत मान लेते हैं, माना पांचवी विषय में उसके प्राप्तांक कितने x है, तो इसका औसत, इसका औसत क्या आना चाहिए 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x बाय 5, और इसका जो औसत है वो 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 90 से कम आएगा, 90 से कम आएगा तो एक ग्रेड नहीं मिलेगा, इसलिए 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। ओवरऑल 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे फर्स्ट डिवीजन बनता है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है हर सब्जेक्ट में 60 से अबव है, हाँ तो कुछ भी हो सकता है, हम न्यूनतम देखते हैं एक्स कितना आता है, इनको जोड़ दो आपस में 7 और 2 9 9 9 18 बचा कितना 1 9 2 18 होते 27 1 2 3 4 36 प्लस एक्स बटे 5 ग्रेटर देन इक्वल 90, 5 का तो मल्टीप्लाई कर दो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 90 इंटू 5, तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 450, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 450 माइनस 368, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल ये हो जाएगा तुम्हारा कितना है 82, कितना जाएगा 82, मतलब उसके पांचवे विषय में कम से कम
कितने आने चाहिए, 82 या 82 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 10 से अधिक हो, सॉरी 11 से अधिक हो। ठीक ना, तो क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे मान लें अगर सीरीज बनाते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का। देख इसमें दो क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहे हैं, इसके बात कर रहे हैं विषम, दो क्रमागत विषम संख्या जैसे 3, 5 हो सकता है या 5, 7 हो सकता है, हाँ 1, 3 हो सकता है, 5, 7 या 7, 9 हो सकता है कि नहीं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 11 से अधिक है, 11 से अधिक है। तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत विषम संख्या, देखो माना दो क्रमागत विषम संख्या क्या क्या हो सकते हैं, एक हो जाएगा 2x+1 और दूसरा हो जाएगा 2x+3। विषम संख्या को हम इसे क्या लिखते हैं, 2x+1, तो दूसरा क्या जाएगा 2x+3, क्योंकि दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, दो का अंतर है, कितने का अंतर है, दो का। अगर एक क्रमागत विषम संख्या, एक विषम संख्या हो गया 2x+1, ठीक, तो दूसरा कितना जाएगा 2x+3, क्लियर है। और ये इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं समझ में आता है, क्योंकि अगर 2x है तो 2x क्या होता है, सम, सम में एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो विषम। ठीक है, इसलिए हम 2x+1 लिखते हैं, क्लियर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि इन दोनों का सम 2x+1 + 2x+3, इन दोनों का सम जो है वो 11 से अधिक होना चाहिए, केवल अधिक कह रहे हैं, 11 से अधिक, हाँ नहीं 11 के बराबर नहीं कह रहे, 11 से अधिक कह रहे हैं। तो 2 × 4 + 4 > 11, तो 4x > 11 - 4, तो 4x > 7, तो x > 7/4, 7/4, 7/4 का मतलब कितना, 2, क्योंकि 7/4 2 से कम है ना, तो x कितना होना चाहिए यहाँ पे, 2, 3, 4, 5 होने चाहिए डॉट डॉट हैं, 7/4, 7/4 क्या होगा, ये 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, लगभग लगभग नहीं, 2 से छोटा होगा ना, इसका मतलब कि x जो है इससे बड़ा होना चाहिए, तो x क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होंगे, 2, 3 भी बड़ा है इससे, 4 भी इससे बड़ा होगा, 5 भी इससे बड़ा होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा विषम संख्या क्या क्या होंगे इसमें, देख विषम संख्या क्या जाएगा, देख अगर 3, 2 रखेंगे तो दोनों 4 × 1 = 5 और 7 और कितना 9, अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा 5 और यह जाएगा 7, अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 3 × 2 = 6 और 1 = 7 और यह जाएगा 9, 3 × 6 और 3 = 9, ठीक ना। अगर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 × 2 = 8 और 1 = 9 और 4 × 2 = 8 और 3 = 11, 11। अब कह रहे कि 10 से कम, 10 से कम, तो 10 से कम क्या हो सकता है, 5, 7 और 9, तो क्या क्या विषम संख्या, देखो इन दोनों का योग 12, 11 से अधिक है, 7 और 9 का योग 16, जो कि 11 से अधिक है, तो क्या जाएगा, अतः 5 और 7 या 7 और 9, मतलब दो क्रमागत पूछ रहा है ना, तो क्रमागत 5 और 7 क्रमागत है या 7 और 9 क्रमागत है, क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा उसका। हाँ x greater 7/4, 7 को 4 से डिवाइड करके कितना आएगा,
वन पॉइंट कितना आएगा बता, रुकमुवन कितना आएगा बता, 1.75 आएगा, और 1.75 से बड़ा होना चाहिए, तो 1.75 से बड़ा पूर्णांक क्या है, बस तो x का वैल्यू क्या जाएगा, x का वैल्यू उसमें रख दे 10 से कम, संख्या निकाल ले, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 24, कर्मागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योग फल 23 से कम हो। तो कर्मागत संख्या क्या क्या हो जाएंगी, खुद करोगे इसको। देखो एक कर्मागत सम संख्या है 2x और 2x प्लस 2, सम संख्या क्या हो जाएंगी कर्मागत, एक तो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कर्मागत जो संख्या है वो 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों का योगफल जो है, इन दोनों का योगफल 23 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, 23 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां से x ग्रेटर देन 5/2 मतलब x जो है 2.5 से बड़ा होना चाहिए। यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, ये 4x प्लस 2 लेस देन 23, तो 4x लेस देन कितना जाएगा, ये 21, और x इक्वल टू कितना जाएगा, x लेस देन 21/4, 21/4 का मतलब कितना, चाचक 16, हैं 5 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो x क्या, देखो x के दो वैल्यूज है, x इज लेस देन 21/4 एंड x इज ग्रेटर देन 5/2, अरे कुछ भी हो सकता है, हैं प्लस टू का इधर भेज दिया ना, प्लस टू है ना, 23 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 21 बचेगा। आंसर क्या तरीका इसका, हाँ ये कंडीशन दे रखा ना इसमें, इसमें 5 से बड़ा होना चाहिए, 23 से छोटा होना चाहिए योगफल, तो 5 से बड़ा, तो यहाँ से किया जाएगा x का कंडीशन, दूसरा 23 से छोटे के लिए x का कंडीशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है ये बता दे, मतलब 2.5 से बड़ा और 5.1 से छोटा, तो ये 3 हो सकता है और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। x कितना जाएगा, 3 और 4, जब x 3 और 4 हो जाएगा वैल्यू रख दे इसमें, इसमें वैल्यू रख दे कितना आएगा, सम संख्या क्या अंक क्या होंगी, सम संख्या 6 और 8, 6 ना, 4 रखेंगे तो 8.10, 8.10, और 5 भी हो सकता है, 5.1 है ना, तो 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5.1 से कम, 5.1 से कम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 5 होगा, तो x का वैल्यू होगा 3, 4 और 5, x का वैल्यू निकाले सम संख्या, तो वहां से निकालेंगे ना x रख के, ठीक है ना, तो 6, 8, 10 और क्या हो सकता है, 12, 6, 8, 10 और 12, क्योंकि 5, 2, 10 और 2 कितना जाएगा, 12। तो देख यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा 6.8 का 8.10 का एंड 10.12 का, ठीक है ना, क्लियर है, कर लेना ऐसे, कर लेना इसको सम संख्या है। सर इस पहले वाले में क्या हुआ, 4x प्लस 4, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ बता क्या करें, 4x प्लस 4 कहाँ से आएगी, कहाँ पे, ये x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, पहले वाले से, हाँ इसका तो 7, 5, 12 होता है, देखो बैठ बता रहा हूँ, अभी बैठ जा बता रहा हूँ, क्वेश्चन करा दे फिर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे
बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की तीन गुनी है, छोटी भुजा की तीन गुनी है। और त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक, देख सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं, छोटी भुजा मान लेते हैं x, बड़ी भुजा हो जाएगा छोटी भुजा का तीन गुना है 3x, तीसरी भुजा कह रहे हैं कि बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की तीन गुनी है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी भुजा हमने x मान लिया तो बड़ी भुजा हो गया 3x, तीन गुना हो गया। अच्छा नेक्स्ट कह रहे हैं कि त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 3x से 2 कम है, तो 3x-2। अच्छा आगे कह रहे हैं कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, न्यूनतम पूछ रहा है। तो न्यूनतम के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप नहीं, हाँ इक्वल लेंगे, परिमाप ग्रेटर देन इक्वल कितना 61 दे रखा है ना, हाँ क्लियर है। तो इसका जो परिमाप है वो क्या जाए ग्रेटर देन इक्वल 61, न्यूनतम कह रहे हैं न्यूनतम 60, न्यूनतम मतलब लोअर लेवल, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है हाँ। अच्छा परिमाप कितना जाएगा त्रिभुज का परिमाप, ये क्या है त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या है, तीनों भुजाओं का योग क्या जाएगा x+3x+3x-2 ग्रेटर देन इक्वल 61 दिया जाएगा तुम्हारा, x 7x-2 ग्रेटर देन इक्वल 61, तो 7x greater than equal 61 plus 2, तो 7x greater than equal 63, तो x greater than equal 63/7, 9, तो x greater than equal 9, मतलब x का जो वैल्यू है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए बड़ा होना चाहिए। देखो 3x-2 तीसरी भुजा क्या जाएगा, तीसरी भुजा क्या है 3x-2, तो 3x-2 बाद नहीं तेज, 3x-2 कितना जाएगा 3×9-2 27-2 कितना आएगा 25, मतलब बाद नहीं, मतलब 3x-2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, मतलब 3x-2 25 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अरे बस बड़ा क्यों, क्योंकि x के वैल्यू 9 से बड़ा भी है, 10 रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, 11 रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो तीसरी भुजा है, इसकी तीसरी भुजा पूछा है ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 25, मतलब न्यूनतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, कितना आएगा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। हैं जोड़ दे 3, 3, 6 और 1 7, अरे क्वेश्चन नंबर 26। देख एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबाई बोर्ड में 3 लंबाइयां काटना चाहता है, मतलब क्या है 91 लंबाई का एक बोर्ड है, इसको वह 3 पार्ट्स में क्या करना चाहता है, काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है, मान लो ये सबसे छोटी लंबाई है तो ये x हो जाएगा, ठीक ना, ये सबसे बड़ी लंबाई है तो ये इसका दुगना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और कह रहे हैं कि जो दूसरी सबसे छोटी लंबाई जो होगी, सॉरी दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये बीच वाला जो लंबाई होगा ये x+3, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा,
लंबाई, लंबाई ये क्या हो जाएंगी x, x प्लस 3 और 2x। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 91 सेंटीमीटर लंबाई का एक बोर्ड है, उसमें से उसको तीन लंबाई काटनी है, मतलब उसको मान लो तीन पार्ट्स में क्या करने काटने, उसमें से एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा और एक मीडियम साइज का होगा, ठीक ना। कह रहा है छोटा जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर का है, ठीक ना, बड़ा लंबाई छोटी लंबाई का दुगुना है, दुनिया है ना दोगुना है, तो कितना जाएगा 2x हो जाएगा। और कह रहा है कि मीडियम साइज का जो लेंथ है वो छोटी से 3 सेंटीमीटर अधिक है, छोटी और लंबाई, छोटी और बड़ी के बीच में जो होगा वो मीडियम साइज का होगा ना, ठीक है ना। तो x देखो छोटी लंबाई, छोटी लंबाई x, बड़ी लंबाई 2x और तीसरी लंबाई मतलब तीसरी भुजा x प्लस 3। अब कह रहे हैं सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, यदि तीसरे टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो, यदि तीसरा टुकड़ा जो है वो दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। देखो एक तो कंडीशन बनेगा इसमें, एक कंडीशन क्या बनेगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है 91 सेंटीमीटर। देख इसमें x प्लस 2x प्लस x प्लस 3, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे, रुक जा बता रहा हूँ बता रहा हूँ रुक जा मैं, x प्लस 2x प्लस x प्लस 3 इट इज लेस देन इक्वल 91। देखो 91 के बराबर होगा या 91 से छोटा होगा, क्योंकि इससे बड़ा लेंथ हमारे पास होगा ही नहीं, मतलब 91 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर इसको हम छोटे पार्ट्स में अगर काटेंगे तो उसकी लंबाई या तो 91 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, काटने पे अगर मान लो कुछ लंबाई में कमी हुई तो 91 से क्या होगा वो कम होगा, वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। पहले पार्ट क्वेश्चन कर लेते, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो ये जगह x, 2x और x कितना जगह, ये 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल 91, तो 4x लेस देन इक्वल 91 माइनस 3, तो 4x लेस देन इक्वल 88, तो x लेस देन इक्वल 88 बाय 4, तो x इज लेस देन इक्वल 22। मतलब x जो है, x की मतलब छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई, छोटी भुजा की न्यूनतम नहीं, न्यूनतम नहीं, यहां पे होगा इसका अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई कितना 22 सेंटीमीटर। देखो यहां पे x का अधिकतम मान क्या है 22, और 22 से छोटा हो सकता है 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23, इसलिए इसकी छोटी भुजा की सबसे अधिकतम लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर का हो सकता है। अच्छा यही पूछा था इसमें कि सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, ये पूछ लिया हमसे। अच्छा नेक्स्ट इसके आगे पूछ रहा है कि यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, दूसरा कंडीशन में भी दे रखा है इसमें, देखो सेकंड कंडीशन दे रखा है, सेकंड केस दे रखा है, कह रहा है कि सबसे छोटे टुकड़े की संभावित लंबाई क्या है, पूछा है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखो इसमें दूसरा और तीसरा टुकड़ा कौन सा है, ये दूसरा टुकड़ा है और ये तीसरा है, मतलब ये दूसरा टुकड़ा है और ये तीसरा टुकड़ा है, ये तो छोटा है, ये फर्स्ट टुकड़ा है, ठीक है ना। कह रहे कि दूसरे टुकड़े की जो लंबाई है वो तीसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब यहाँ पे जो 2x है वो ग्रेटर देन इक्वल x प्लस 3 प्लस
फाइव हो जाएगा। कहाँ केस, सेकंड केस में दे रखे क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल x प्लस 3 प्लस 5, तो 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल कितना जाएगा ये 8, तो x इज ग्रेटर देन 8, x के वैल्यू जो है 8 के बराबर या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, दो कंडीशन है क्या, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन इक्वल, सॉरी यहाँ पे x देखो ग्रेटर देन इक्वल 8 है लेकिन लेस देन इक्वल कितना जाएगा 22, मतलब x जो जाएगा वो क्या जाएगा 8 से 22 के बीच में होगा, मतलब छोटा जो टुकड़ा है बाद में जो छोटा टुकड़ा है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर या 8 से बड़ा लेकिन 22 के बराबर या 22 से छोटा हो सकता है, सर पूरा सवाल की लैंग्वेज ठीक है, 8 से बड़ा 22 से छोटा, हाँ ये हो गई।